गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हमने हिंदी में जो है भाषा की, स्वर किए, व्यंजन किए, ठीक है, और वर्ण किए। आज हम जो है शब्द और वाक्य के बारे में जो है करेंगे, जो हमारा बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बिना जो है हमारी हिंदी व्याकरण जो है अधूरी है। तो देखिए, मैं आपको आज करवाऊँगा शब्द और वाक्य। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया टॉपिक आपके लेके ले आऊँ तो सबसे पहले आप उसको देखो और समझो, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक करते हैं आज स्टार्ट। तो देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्णों का सार्थक समूह। वर्ण जो आपने किए थे, स्वर और व्यंजन, उनको मिला के वर्ण बनता है। वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, सर्कस, सर्कस जो है एक सार्थक जो है शब्द है। इसमें जो है आपको पता लग गया भाई सर्कस क्या होता है। देखिए, पानी, वानी, पानी तो समझ में आ गया, वानी इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए ये जो है ये ठीक है आपका पानी, और ये जो है वानी जो है ये गलत है। वानी तो कुछ होता भी नहीं है। तो आगे देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्द के जिस रूप से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं बेटा? शब्द, शब्दों के जिस रूप से हमें जो है किसी भी बात का पूरी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। देखिए, एग्जांपल देखिए, है जादूगर जादू दिखा रहा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए, है जादूगर जादू दिखा रहा, ये जो है ये यहाँ तक जो है गलत है जादूगर जादू दिखा रहा, ये जो है गलत है। ये ठीक कैसे लिखा जाएगा बेटा? ये लिखा जाएगा जादूगर जादू दिखा रहा है। आपको समझ में आ गया भाई, जादूगर जो है जादू दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए, जैसे बोलते हैं है मीठा पानी, ठीक है मीठा पानी, ये भी गलत है। इसमें आएगा क्या है? मीठा है, मीठा पानी में आएगा पानी मीठा है, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा जो है पानी जो है वो मीठा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन को जब मिलाया जाता है तो वर्ण मिलता है। जब वर्ण को मिलाया जाता है तो शब्द बनता है। जब शब्दों को मिलाया जाता है तो वाक्य बनता है, ठीक है बेटा। दोबारा देखिए, जब स्वर और व्यंजन को मिलाया जाता है तो वर्ण बनता है, ठीक है। जब वर्ण को मिलाया जाता है तो शब्द बनता है। जब शब्दों को मिलाया जाता है तो हमारा वाक्य बनता है, ठीक है। तो ये जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह, ठीक है। जैसे सर्कस, शब्द किसे, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे है जादूगर जादू दिखा रहा है, तो हमारे पास पहले क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला के वर्ण बनते हैं। जब वर्णों को मिलाया जाता है तो शब्द बनते हैं। जब शब्दों को मिलाया जाता है तो वाक्य बनते हैं। और वाक्य से हम जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शब्द और वाक्य, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है करवाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। घर पर रहिए और अपना काम करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।